दोस्तों मस्त जमादम स्टार्ट हो गई है, शानदार मूसलाधार बारिश जिसके लिए हम गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट एपिसोड में जैसे आपने देखा कि अपन आ गए थे गुजरात बॉर्डर में, तो अब अपन ने गुजरात में अपन एंटर हो गए हैं। अपने चीता के अंदर फ्यूल कम है तो चीता में पहले फ्यूल डलवाएंगे। इस बार स्टेयरिंग पर बैठे अपने निखिल भैया, मस्त राइड कर ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को। आप वेदर देखो यार, वेदर एकदम शानदार हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, ग्रीनरी है चारों तरफ गुजरात में। हालांकि अभी तक राजस्थान से निकले हुए काफी टाइम हो गया, अभी तक अपने को कहीं पे बारिश नहीं मिली है, नहीं कहीं पे ड्रिजलिंग मिली है। तो आई थिंक गुजरात के अंदर अपने को बारिश मिलनी चाहिए, तो वो तो आगे ही पता चलेगा। सबसे पहले अपन अपने चेता के अंदर फ्यूल डलवा लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब अपन चेता में फ्यूल डलवा रहे हैं। यहाँ पे फ्यूल सस्ता है, अपन नायरा से ले रहे हैं, 97.82 है, तो राजस्थान से तो काफ़ी सस्ता है। आज चेता में मज़ा आ जाएगा। चलो करवाते हैं टैंक को लबालब, फिर निकलते हैं आगे। तो दोस्तों अब बज गए हैं 8:30, अब टाइम है नाश्ते का। तो निखिल भैया लाए हैं अपने लिए गर्मा गर्म पोहा। निखिल भैया ने वहाँ पे चाय वाय पी ली आराम से और हमारे लिए पैक करवा के ले आए हैं। तो चलो करते हैं पेट पूजा, नाश्ता वास्ता करते हैं फिर। अच्छा डेवलपमेंट हुआ है गुजरात में, जो सही चल ही रहा है। दोस्तों ये बात तो सच है कि गुजरात के अंदर डेवलपमेंट बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हुआ है। जगह जगह पे आप देखोगे बिल्डिंग्स का काम चल रहा है। हमारे निखिल भैया तो कॉर्पोरेट्स एंड हेल्थ की बिल्डिंग्स है, काफी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बन रही है, इन प्रोसेस है इनका, सबका अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। रोड्स भी अभी तक तो अच्छी मिली है, लेकिन कई जगह पे तो बिल्कुल टूटी हुई भी मिली है। राजस्थान वाले मजे नहीं है रोडों के, बट फिर भी अच्छा है यार। यहाँ पे ये पुरानी बिल्डिंग्स खूब है, इस तरीके की पुरानी चाल, पुराना वो होता है ना, काफी पुराना पोल। बियारस नाटा देखी हो तो पोड़ आती है ना, पोड़ वो दयाबेन वाला। अच्छा वो ऐसे ही है क्या? दयाबेन इधर ही रहती है, दयाबेन इधर ही रहती है, अभी आई नहीं। जो ये रिवर फ्रंट बोलते हैं ना, ये रिवर फ्रंट जहाँ पे मोदी बनाया, वो देखो सामने क्रूज भी है। ये वो कहाँ है? ये नेहरू ब्रिज, ये नया ब्रिज कहाँ है? वो क्या सरदार पटेल वाले वो तो मेरे घर के पास है भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ना, मेरे घर के पास है। नीचे लेना अभी ऊपर। तो दोस्तों अपना चीता का हो गया टायर पंचर, तो पहले इसका टायर पंचर निकलवाएंगे, तब तक अपन कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो जैसे उसका पंचर निकलता है फिर अपन अपनी जर्नी आगे की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ट्रैफिक देखा, लेकिन इतना गंदा ट्रैफिक मैंने आज तक नहीं देखा गुजरात में। गुजरात में किसी भी तरीके की कोई यानी कि व्यवस्था नहीं है कि ट्रैफिक को कैसे क्लियर करवाना है। ये भाड़े के ये हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, इनसे साले इनसे क्लियर ही नहीं हो रहा है ट्रैफिक। 10 मिनट हो गई यहाँ पे गुजरात पुलिस लिख रहा क्यों है स्टाफ पे। तो भाइयों अपन है ना फाइनली ये दुर्गम गतियों गलियों को, ये जो बिल्कुल घटिया वाला ट्रैफिक था उसको छोड़ के अब अपन निकल गए हैं। एक्सप्रेस हाईवे पे अपन चढ़ गए हैं और अब सीधा 90 किलोमीटर बाद अपन रुकेंगे आगे जाके। तो शानदार है रोड, एकदम कोई इशू नहीं है इस पे आराम से। हमारे भाई ने वैसे टेम्परेचर का एवरेज थोड़ा। तो दोस्तों अभी तक का सफर एकदम मजेदार रहा है, लेकिन अभी जो हम अहमदाबाद में रुके हैं और वहाँ की गलियों के अंदर ड्राइव किया, इतना थर्ड क्लास ट्रैफिक मैंने मेरी लाइफ में कहीं नहीं देखा। कोई मैनेजमेंट नहीं, जितने भी बंदे थे वो सब हायर किए हुए थे, तो उनको पता ही नहीं है, बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं, कोई लेफ्ट से आने वाला राइट में जा रहा है, कोई मैनेजमेंट नहीं। तब
अभी फाइनली अपन जब एक्सप्रेस हाईवे पे चढ़ गए हैं तो ठीक है, एकदम बढ़िया गाड़ी का पंचर अपन निकलवा चुके हैं और गर्मी हालांकि अभी 30 डिग्री सेल्सियस हो गई है, बट ठीक है एकदम बढ़िया। अब अपन आराम से पहुंच जाएंगे जहां पे अपने को पहुंचना है। अपन ने गाड़ी को सेट कर दिया है 90 के क्रूज के ऊपर, तो अब एवरेज निकालते हैं और पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे। दोस्तों अपन ने अभी लंच तो कर लिया है और लमसम टाइम हो रहा है, वो 4 बजे के आसपास हो रहे हैं। किसी कारण से मैं कैमरा नहीं उठा पाया था, बट अब यहाँ से निकल रहे हैं अपन। निकल गए थे सूरत की तरफ और यहाँ का मौसम एकदम शानदार है, बारिश ही देखो आप, इतनी शानदार बारिश हुई है कि चारों तरफ हरियाली है हरियाली है, क्लाउड फॉर्मेशन बहुत प्यारा लग रहा है, रोड एकदम झकाझक हो रखे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता था लेकिन अभी इतना ट्रैफिक नहीं है। आप इधर देखो कितना पानी भरा हुआ है, अब पता नहीं मोबाइल का कैमरा तो कितना जस्टिस कर रहा होगा बट बहुत शानदार है। तो दोस्तों अपन ने जयपुर से कम 900 या 950 के आसपास में सफ़र तय कर लिया। अब जाके हल्की फुल्की ड्रिजलिंग मिलनी स्टार्ट हुई है, मौसम वेदर एकदम शानदार हो रखा है और अब इस ड्रिजलिंग से और भी सुहाना हो गया है, मज़ेदार एकदम जन्नाटेदार। हमारे एक प्राणी तो सो गए हैं, एक प्राणी हमारा गाड़ी चला रहा है, मैं बगल में बैठा हूँ क्योंकि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो 3-4 घंटे लेट हो जाएंगे हम, मैं काफ़ी तेज चलाता हूँ दोस्तों इसलिए। तो चलो मंजिल पे पहुँचते हैं जल्दी से जल्दी। फाइनली मौसम ने अपना जलवा दिखा दिया है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है और अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखो आपको बैठे हुए दिख रहे होंगे कावड़, इसे बोलते हैं कावड़, कावड़ यात्रा चालू है और सावन मास है तो बोलो शंकर भगवान की जय। बम बम बोले, बम बम बोले। तो मौसम एकदम मौसम हो रहा है और एनर्जी एकदम फुल है और बड़ा मजा आ रहा है यार, ये वाली जो राइड है एकदम शानदार हो गई है, मौसम के पूरे मजे लिए जा रहे हैं, चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है दोस्तों। दोस्तों मस्त जमाजम स्टार्ट हो गई है, शानदार मूसलाधार बारिश जिसके लिए हम इतने दूर आए थे, गजब शानदार जानदार।